सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बारिश के बाद सड़क धस गई है, तो आवागमन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर 4 साल पहले ही सड़क बनाई गई थी, सड़क धसने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिस्वा लहरपुर मार्ग का ये मामला है जहां पर बारिश के बाद सड़क धस गई है, और अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही बारिश आती है इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब सड़क टूट जाती है, धस जाती है या फिर सड़कें तालाब बन जाती है। उससे पहले प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है, सड़कों की हालत ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 4 साल पहले ही ये सड़क बनी थी और सड़क धसने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिस्वा लहरपुर मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर बारिश की वजह से सड़क धस गई है, तो ऐसे में आवागमन भी बाधित हो रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर भीषण बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बता दें आपको कि वैकल्पिक पुल नदी के बहाव में बह गया है और पुल बहने से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इसके साथ ही डीएम ने जांच के लिए टीम मौके पर भेजी है। बरेली से ये खबर है जहां पर भीषण बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, ऐसे में जो वैकल्पिक पुल बनाया गया था वो भी नदी के बहाव में बह गया है। पुल बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, कनेक्टिविटी टूट गई है, ऐसे में लोग परेशान हैं। डीएम ने जांच के लिए टीम को मौके पर भेजा है, क्योंकि मामले को लेकर अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आसपास के जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है, कई तरह की परेशानियां आप लोगों के सामने खड़ी हो गई है। जो उन्होंने कच्ची मिट्टी डाली थी इसे पटान करा था, इस वजह से तेज बारिश के पानी आने की वजह से पुल ढह गया। इस पुल से कितने गांव के लोग निकलते हैं? तो लिंक मार के यहाँ से लेके फतेहगंज तक का लिखा मेन रास्ता है, ये करीब 35-40 गांव का मेन रास्ता है। सबसे बड़ी परेशानी इसमें हो रही है, बच्चों के स्कूल वगैरह है जो रास्ता बंद होने से स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मतलब कच्चा पुल था, पुख्ता होकर सब बना नहीं था, एकदम रात के लिए बारिश हुई, बारिश होने पर सैलाब जब आई रिल गया पानी, सब निकल नहीं पाया सब। ये भारी बारिश की वजह से और तेज पानी आया इसलिए भाग गया, कच्चा पुल था। हाँ, अधिकारियों की बारिश ज्यादा हो गई, अधिकारियों को पहले से ही सोचना चाहिए था, बरसात का मौसम चल रहा है तो इसको मजबूत तरीके से तैयार करना चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर मंत्री सुरेश खन्ना